मेरे जिसको मोहब्बत हो नहीं सकती उसे जन्नत में जाने की इजाजत हो नहीं सकती। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह ओ सल्लम अलैका या हबीब मोहब्बत हो नहीं सकती उसे जन्नत में जाने की इजाजत हो नहीं सकती। करामत हो नहीं सकते बड़े सल्लल्लाहु अलैका या समिल के पढ़िए के पढ़िए रसूलल्लाह ओ सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह नारे से जिसको प्यार जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। क्या मतलब या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार हमने ये नारा लगाया हम सबका बेड़ा पार। पुकारा जब भी मुश्किल चले आए मेरे वो आते हैं वो सुनते हैं बुलाना हम ना छोड़े कहो तो छोड़ हम जहां जहां महफिलें सारी मगर ये मीलाद की महफिल सजाना हम ना छोड़े मगर ये मीलाद की महफिल सजाना हम ना छोड़े। वाकई ये सच है कि आज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर हाजिर हाजिर मैं कुछ वक्त के लिए कुछ लम्हा के लिए आप खिदमत में हाजिर हूं। बस मरहबा या मुस्तफा कब नारा लगा दे और अपने अंदर जो है इश्क के नबी को बेदार कर दे उसके बाद इंशाल्लाह शहंशाह हजरत मौलाना शहाबुद्दीन बरकाती साहब की तकरीर होगी आप सबको समाप्त कर आप लोग जो है इश्क का इश्क में अपने दिल को जो है गरम करें। अब ये आएंगे तो वो ठीक बस समझे तो इंशाल्लाह सबको मेरे साथ मिलके पढ़ना सबको मेरे साथ मिलके पढ़ना।
جو کو شوق محبت و عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جو ایک مرتبہ اللہ عز و جل کا نام صدق دل سے لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سچے دل سے اللہ کا ذکر کرے پڑے آپ سب مل کے پڑھنے کا مزاج بنائے پڑھیے کالے